नमस्कार, मैं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। चले जानते हैं देश विदेश की 11 प्रमुख खबरों को। 15 अप्रैल के बाद के टिकट की बुकिंग कर सकेंगे IRCTC पर सभी आम नागरिकों के लिए अहम सूचना। IRCTC 15 अप्रैल के बाद टिकट की बुकिंग की सुविधा मुहैया करवा रही है। खबरों की माने तो रेलवे की वेबसाइट अभी भी सुचारू रूप से चालू है। वहीं IRCTC पर बुकिंग करवाने वाले 15 अप्रैल का एडवांस टिकट बुक कर सकते हैं। ज्ञात हो कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए ट्रेन की सुविधा को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था, मगर ऑनलाइन बुकिंग की प्रक्रिया अभी भी चालू है। वहीं रेलवे ने यह भी साफ कर दिया है कि बंद के दौरान आम नागरिकों द्वारा बुकिंग टिकट का पैसा उनके खाते में जल्द से जल्द वापस कर दिया जाएगा। भारत को जल्दी मिलेगा दुनिया का सबसे स्वच्छ पेट्रोल डीजल। भारत का नाम अब उन देशों में शामिल हो गया है जहां दुनिया का सबसे स्वच्छ पेट्रोल और डीजल इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि रिपोर्ट की माने तो देश की तेल कंपनियों ने बुधवार को बिना मूल्य वृद्धि और सेवाओं में किसी तरह के रुकावट के यूरो 6 मानक पेट्रोल डीजल की आपूर्ति शुरू कर दी है। यानी कि भारत में स्टेज 4 ग्रेड का ईंधन के जगह पर अब सीधा स्टेज 6 ग्रेड का ईंधन उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं हाल ही में बंद के ऐलान के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम की बात करें तो 17 साल के निचले स्तर पर पहुंच चुका था। चाइना में एक बार फिर से बढ़ा कोरोना का मामला। चीन के पिंगडिंगशन शहर में जिया काउंटी में एक बार फिर से कोरोना के मामले में आने की खबर सामने आई है। खबरों के माने तो चीन में एक बार फिर से कोरोना की आशंका तेजी से बढ़ने लगी है, क्योंकि बीते दिन अचानक से एक ही दिन में 36 नए मामले सामने आए हैं। साउथ चाइना मॉर्निंग रिपोर्ट की माने तो कोरोना की वापसी को देखते हुए चीन के हेनान प्रांत की एक काउंटी में एक बार फिर से बंद का ऐलान कर दिया गया। वहीं चीन से निकला कोरोना वर्तमान समय में पूरी दुनिया में अपनी पैर पसार रहा है। वहीं दिन प्रतिदिन कोरोना के मामलों में कमी आने के बजाय मामला तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। भारत में भी लगातार कोरोना के नए मामलों की पुष्टि की जा रही है, जिससे सबकी परेशानी बढ़ा रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्धव ठाकरे से की फोन पर बात। भारत में कोरोना धीरे धीरे करके अपने पैर पसार रहा है। वहीं वर्तमान समय में सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। वहीं दिन प्रतिदिन कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से फोन पर बातचीत की है, जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्धव ठाकरे से पिछले महीने नई दिल्ली में तबलीगी जमात के आयोजन से मुंबई और राज्य के अन्य हिस्से में पहुंचे लोगों का पता लगाने और जांच करने का और उपचार करने को कहा है। सिर्फ उद्धव ठाकरे ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से फोन पर बातचीत की है। इतना ही नहीं, मुंबई में कोरोना से अब तक मामलों की बात करें तो कुल मिलाकर 335 मामले सामने आ गए हैं, जिसमें से 16 लोगों ने दुनिया को अलविदा कह गया है। वहीं 41 लोग ठीक भी हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से की बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के बढ़ते स्थिति को देखते हुए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से फोन पर बातचीत की है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात के दौरान सभी राज्यों के कोरोना की स्थिति का जायजा लिया है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान प्रवासी मजदूरों की समस्याओं और तबलीगी जमात में हिस्सा लेने वाले की तलाश करने में संबंधित मुद्दे पर भी बातचीत की है। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्री से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की है। एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी में पहुंचा कोरोना। मुंबई में फैला कोरोना अब मुंबई में एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती में भी अब दस्तक दे चुका है। खबरों की माने तो मुंबई के धारावी बस्ती में कोरोना के 46 वर्षीय व्यक्ति में कोरोना के पॉजिटिव मामले की खबर सामने आई थी, जिसके बाद उन्होंने दुनिया को भी अलविदा कह दिया था। वह व्यक्ति झुग्गी बस्ती पुनर्वास प्राधिकरण योजना के तहत बनी बिल्डिंग में रहता था। हालांकि उस व्यक्ति में कोरोना के होने की पुष्टि होने के बाद पूरी झुग्गी में परेशानी का माहौल बन गया है। वहीं मुंबई ही अभी ऐसी जगह है जहां पर कोरोना के सबसे ज्यादा मामलों की पुष्टि हुई है। इस वेबसाइट से पता लगा पाएंगे आप अपने नजदीकी स्टोर के बारे में। बंद के इस हालत में सभी आम नागरिकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए क्विकर ने stillopen.in नाम की एक वेबसाइट बनाई है, जिससे कि अब आम नागरिक आसानी से पहले ही पता लगा सकेंगे कि उनके आसपास का कौन सा स्टोर खुला है या बंद है। ज्ञात हो सरकार द्वारा बंद के ऐलान के बाद सभी आम नागरिक सोच समझ कर या सिर्फ जरूरी सामानों की खरीदारी के लिए घर से बाहर जा रहे थे, मगर कई बार ऐसा होता है कि घर से बाहर जाने के बाद हमें यह पता चलता है कि दुकान खुली है या नहीं। इसी विडंबना को ध्यान में रखते हुए क्विकर ने हाल ही में एक नया ऐप लॉन्च किया है, जिससे कि अब आप घर बैठे बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके आसपास की कौन सी दुकान खुली है। इसकी सर्विस फिलहाल बैंगलोर, हैदराबाद, पटना, चेन्नई, पुणे, मुंबई, नवी मुंबई, थाने, फरीदाबाद, लखनऊ, कोलकाता, अहमदाबाद, इंदौर, जयपुर, कोची, चंडीगढ़, सिकंदराबाद, नोएडा, गुड़गांव, ग्वालियर, गाजियाबाद में उपलब्ध होने वाली है। कोरोना के इलाज में लगे डॉक्टर्स की मदद के लिए लाए गए रोबोट्स। कोरोना के इलाज में जुटे डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ को भी अब कोरोना की आशंका सताने लगी थी, जिसकी वजह से अस्पतालों के सैनिटाइजेशन, साफ सफाई की और देखरेख के बावजूद हर दिन चुनौतियां बढ़ती जा रही थी। इन सबके बीच डॉक्टर्स के सिर पर सभी लोगों को ठीक करने की जिम्मेदारी भी थी, इसीलिए अब डॉक्टर्स ने कई अस्पतालों में रोबोट की मदद लेना शुरू कर दिया है। खबरों की माने तो भारत के कई अस्पतालों में कोरोना से आशंकित लोगों का सही समय पर दवाई मिले, इसके लिए दवा लेने वाले रोबोट बनाए गए हैं। ज्ञात हो यह रिपोर्ट मेडिकल स्टाफ द्वारा दी गई है और दवा को निर्धारित जगह पर पहुंचाने की भी खबर सामने आई है, और यह डिलीवरी रोबोट एक साथ 3 लोगों का काम कर सकता है। ज्ञात हो कोरोना वर्तमान समय में पूरी दुनिया की परेशानी का सबब बना हुआ है। वहीं भारत में भी अब तक कुल मिलाकर 2000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना से निपटने के लिए भारत लेगा चीन और दक्षिण कोरिया की मदद। भारत में दिन प्रतिदिन कोरोना के मामलों में इजाफा देखा जा रहा है। वहीं इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अब चीन और दक्षिण कोरिया से मदद लेने का ऐलान किया है। वहीं दिन प्रतिदिन भारत में कोरोना के तेजी से फैलने की खबरें भी सामने आ रही है। हालांकि अभी तक भारत में सार्वजनिक तौर पर कोरोना नहीं पहुंचा है, मगर फिर भी एहतियात के तौर पर भारत दूसरे देशों से मदद लेने की पहल को तेज कर रहा है,
क्योंकि यही वह दो देश है जहां पर कोरोना को सही तरीके से नियंत्रित किया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8वीं तक के छात्रों को अगली कक्षा में सीधा प्रमोट करने का किया ऐलान। कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने CBSE को यह निर्देश दिया है कि पहली से 8वीं कक्षा तक के छात्रों को बिना परीक्षा लिए या अगर परीक्षा हो भी गई है तो बिना परीक्षा परिणाम की घोषणा के ही अगली कक्षा में सीधा प्रमोट कर दिया जाए। इसकी जानकारी मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने ट्वीट करके दी है। उन्होंने आगे कहा है कि जिन छात्रों को इस बार प्रमोट नहीं किया गया वे स्कूल आधारित परीक्षणों में उपस्थित हो सकते हैं जो ऑनलाइन या ऑफलाइन आयोजित किए जा सकेंगे। कोरोना की चपेट में आया विंबलडन। कोरोना इस समय पूरी दुनिया की परेशानी का सबब बना हुआ है, वहीं अब उसकी चपेट में कई सारे खेल प्रारूप भी आ गए हैं, जिसमें सबसे पहले तो क्रिकेट के सभी प्रारूप थे, अब विंबलडन का नाम भी शामिल हो गया। खबरों की माने तो कोरोना के कारण विंबलडन को रद्द कर दिया गया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब सबसे पुराने ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट को रद्द किया गया है, जिसकी जानकारी ऑल इंडिया क्लब ने हाल ही में एक बैठक के बाद दी है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें विंबलडन क्लब के ग्रॉस कोर्ट में यह टूर्नामेंट 29 जून से 12 जुलाई के बीच खेला जाना था, वहीं स्थगित किया गया। विंबलडन अगले साल 28 जून से 11 जुलाई के बीच में होने की संभावना जताई गई है। आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।